लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन, हैंड रिटन शीट है आपकी, चेक कर लो नंबरिंग कौन सी है। अठारह नंबर, लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बिकम्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ डैश व्हेन इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। एक लेंस है, उस लेंस की एयर में फोकल लेंथ एफ है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब आप उसको म्यू डैश में डाल देते हैं तो उसका जो फोकल लेंथ है वो एफ डैश आ जाता है। तो प्रूव करो एफ डैश इसके इक्वल है, क्या लगेगा लेंस मेकर, पहले एयर में रखेंगे तो 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, फिर लिक्विड में रखेंगे एफ डैश ग्लास रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इसे ब्रेक करेंगे ग्लास ऊपर लिक्विड नीचे, तो बस इसकी जगह म्यू, इसकी जगह म्यू डैश। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, तो समझ में आ रहा है लेंस मेकर पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को देखें, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज डी, एक ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन जहां पर इमेज बननी है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है डी। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज प्लेस बिटवीन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, एक लेंस को डाल दिया। तो आपको याद होगा कि ये एक क्वेश्चन आया था दो, जब लेंस हमने स्टार्ट किया था, ऑप्टिकल बेंच करके एक वर्ड यूज किया था कि लैब में हम काम करते हैं ऑप्टिकल बेंच, उसमें एक रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट किया था, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्क्रीन राइट साइड पे तो रियल इमेज ही बनेगी, द स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है डी वो कितना होना चाहिए 4f। ये रिजल्ट याद किया था, अब शीट के अंदर लिखवाया था एक क्वेश्चन में और सीधा ही बस यही आंसर था 4f। तो आपका मिनिमम डिस्टेंस रियल इमेज अगर आप बनाना चाहते हैं कन्वेक्स लेंस से कम डिस्टेंस 4f होना चाहिए, प्रूव किया जाए। इस मेथड को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, इंपॉर्टेंट है ये आपके मेंस और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्या रिजल्ट है, पहले प्रूफ देख लें। प्रूफ ये है कि मान लो आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, ये यू, ये वी है, यू प्लस वी डी है, तो यू क्या होगा, अगर ये v है तो u क्या होगा d माइनस वी, तो u इज माइनस डी माइनस वी, तो ये टर्म आ गया u का। लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाई वी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये v की वैल्यू आ गई, v की जगह माइनस डी प्लस वी जो भी ऊपर निकाला तो u की जगह पुट कर दिया दोनों जगह, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन गई v में, v की क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले। और अगर आप चाहते हैं कि रियल इमेज बने तो v का क्या होगा, v ऑन दी अदर साइड बनेगा, और ऑन दी अदर साइड का मतलब v शुड बी पॉजिटिव, और ऐसा तब होगा जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये राइट साइड पे चला गया, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f का मतलब कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए 4f।
आपने रिजल्ट ही याद करना है, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, पर आपको पता होना चाहिए 4F कैसे आया। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हाईलाइट कर लेना। आगे अगर मान लो इसी केस में एम अगर मैग्निफिकेशन है इमेज की, तो प्रूव करो कि फोकल लेंथ इसके इक्वल है। मान लो वो कह रहा है मैग्निफिकेशन एम है तो फोकल लेंथ लेंस की इसके इक्वल है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेथड कहां काम आता है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के काम आता है। और फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको बॉक्स में रिमेंबर लिख लेना। हम प्रूव जरूर कर रहे हैं, पर प्रूफ करना नहीं होता, जरूरत नहीं है प्रूफ करने की। हाँ वैसे करके दिखा देता हूं, पर न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला ही काम आएगा। तो इसमें इसको करने के लिए फिर से लेंस का फॉर्मूला, लेंस के फॉर्मूले में फोकल लेंथ रीअरेंज करके ये आ गया। तो इसमें यू नेगेटिव है, तो यू को यहां पर नेगेटिव पुट किया तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। और वी, ये जो फॉर्मूला आया फोकल लेंथ का, इसमें यू प्लस वी से मल्टीप्लाई, यू प्लस वी से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को यू स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसका फायदा ये हुआ, ये यू से यू कैंसिल, तो क्या बना, वी बाई यू एक तरफ, यहां से यू प्लस वी एक तरफ। इस डिनोमिनेटर में से यू स्क्वायर कॉमन आ गया, जो नीचे से कैंसिल होके ये टर्म बन गई, वी बाई यू मैग्निफिकेशन, वी बाई यू मैग्निफिकेशन आपका आंसर आ गया, क्योंकि वी प्लस यू क्या है यहां पर, बी। प्रूफ नहीं करना आपने, फॉर्मूला नोट कर लो, कल को न्यूमेरिकल आएगा जिसमें मैग्निफिकेशन और डी गिवन होगा। डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो सीधी फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी। आया हुआ न्यूमेरिकल है वैसे नीट या मेंस में, टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इंपॉर्टेंट कर लेना, याद ही करना है, कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स में और आपकी बुक्स में मिलेगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी, लीनियर मतलब लेंथ वाइज, जैसे रॉड वाली प्रॉब्लम की थी लेंथ वाइज, बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ कंकेव मिरर। सेम ही क्वेश्चन है कि रॉड को लिटा दिया एक्सिस के ऊपर और लेंथ उसकी बी है, कंकेव मिरर है, फोकल लेंथ एफ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो यू डिस्टेंस से हमने यू डिस्टेंस पे रख दी रॉड को। फाइंड अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द इमेज, कोई साइज ऑफ द इमेज निकालो, पर ये क्वेश्चन उससे हटके है। क्यों? उसमें क्योंकि पता था
2F पे ऑब्जेक्ट है, 2F पे इमेज है, इसमें ऐसा नहीं गिवन। तो आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर गिवन होगा जो आपको मार्क करना है। अब ये स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है, इसमें करना क्या है, आपने जब अप्रोक्सीमेट वर्ड कह रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट में आपने मिरर का फॉर्मूला लिखना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं टाइम करेंगे तो डी यू बाई डी टी डीवी बाई डी टी आ जाएगा, और डी यू बाई डी टी डीवी बाई डी इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज देगा। आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू यू, ऐसा क्यों ये उड़ गया, कॉन्स्टेंट है, डी यू बाई वन बाई वी, डी यू बाई वन बाई यू क्या होगा माइनस वन बाई यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ से डी वी बाई डी यू एक तरफ, ये टर्म आ गई। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है, एच टू बाई एच वन माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब यहाँ पर छोटी इमेज और छोटा ऑब्जेक्ट है, पर रेशियो तो बराबर रहेगी मैग्नीफिकेशन की, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, एच टू बाई एच वन इज माइनस ऑफ डी वी बाई डी यू, डी वी बाई डी यू को जगह माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो ऑब्जेक्ट का साइज इसमें बी गिवन है, तो इमेज का साइज आ गया, इमेज का साइज आ गया। अब हमें पता है ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, v बाई यू यानी कि मैग्नीफिकेशन और u का हमने एक फॉर्मूला किया था मिरर का, f अपॉन u माइनस f, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, v बाई यू का, इसको उठा के यहाँ पुट करके आंसर आ गया। तो जब ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको याद आएगा कि किस तरीके से करना है, पहली बार शायद ना भी याद आए, बट हाँ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिससे कि आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इसके अंदर जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने इसमें जो इमेज का साइज क्या लिया, ऑब्जेक्ट का साइज क्या लिया, बी, तो बी हमें गिवन था तो हमने बी की वैल्यू ली और बाकी तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने कर ही दिया। कई बुक्स इसको फॉर्मूला ही बना लेती हैं कि चलो इसमें कुछ स्टैंडर्ड इसमें कुछ चेंज तो होना नहीं है, अगर आज के बाद लेंथ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर के सामने, तो ये स्टेप तो हर हालत में क्या रहेंगे, सेम ही रहते हैं। तो कई लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि कल को अगर उसने न्यूमेरिकल दे दिया कि लेंथ ऑफ द रॉड 10 सेंटीमीटर है, तो कम से कम सीधा मैं उसकी इमेज का साइज तो निकाल सकता हूँ आंसर। ठीक है, ये आपके ऊपर आप कैसे याद करते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बुक्स में सीधा डायरेक्ट मिलेगी। इसमें ये क्वेश्चन है, यू आर डिजाइन टू डिजाइन अ शेविंग मिरर, गलत स्टेटमेंट है, आप डिजाइन नहीं है, आप शेविंग मिरर डिजाइन कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट पर्सन कीप्स इट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस, यू पता है माइनस 10, एंड व्यूज द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, वी भी पता है, यू भी पता है, वी भी पता है, रेडियस निकालना है। पॉइंट ये है कि जब आप अपनी शक्ल देखेंगे तो आप शक्ल कहाँ देखेंगे, ऑन द ऑपोजिट साइड देखेंगे, और बड़ी देखेंगे तो रियल तो हो नहीं सकती, क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ से क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ऐसे मिरर, कनकेव मिरर हम यूज करते हैं ताकि हमारी शक्ल बड़ी दिखे। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, नीट मेंस में कितनी बार आ चुकी है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, किया हुआ क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो।
कार इज फिटेड विद अ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20. ठीक, सेम क्वेश्चन है वही जॉगर वाला. फोकल लेंथ पता है. सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द कार यू गिवन है. ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15. तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है. स्पीड ऑफ द इमेज निकालनी है डीवी बाई डी टी. किया आज हमने क्वेश्चन. तो ये स्टेप्स बताए थे. फॉर्मूला लिखो, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो. तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा. काफ़ी लोग ये स्टेप, मैथ्स वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बना लेंगे, बट काफ़ी लोग यही फॉर्मूला याद कर इसको बॉक्स में डाल लो. इसी को बॉक्स में डाल लो कि इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड और माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर रिलेटेड है. अब क्वेश्चन ईजी है. आपको आपके क्वेश्चन में फोकल लेंथ पता है पॉजिटिव, यू पता है कार का, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सबसे पहले वी निकलेगा. मिरर के फॉर्मूले से वी निकल गया, तो वी पता है, यू पता है, डी यू बाई डी टी पता है, यहां से डी वी बाई डी टी आ जाए. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? आंसर ये क्वेश्चन देखो. A thin convex lens of focal length f is put on a plane mirror as shown in the figure. ठीक, when an object is kept at a distance of a from the lens mirror combination, its image is formed at a distance of a by 3 in front of the combination. A क्या होगा? वो कह रहे हैं जी मैंने ये combination लिया, इस combination के अंदर मैंने जो object है इस combination से कितनी दूरी पे लिया a, और image कहाँ पर बनी? a by 3. आप मुझे ए बता दो क्या होगा. ठीक, अब ये क्वेश्चन देखने में कुछ नहीं लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें तीन स्टेप्स हैं. जब ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा होगा, सबसे पहले लाइट किस में जाएगी? लेंस में. तो पहला क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का होगा, लेंस का. फिर किसको टक्कर मारेगी? मिरर को. तो दूसरा स्टेप क्या होगा? रिफ्लेक्शन का. फिर वापस लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसमें एंटर करेगी? लेंस में. फिर क्वेश्चन किसका होगा? लेंस का. फिर फाइनल इमेज बनेगी. तो यानी कि पहले अगर वो ऑब्जेक्ट है, लेंस उसकी क्या बनाएगा? इमेज. मिरर उस इमेज को क्या मानेगा? ऑब्जेक्ट. और क्या बनाएगा? इमेज. फिर लेंस उस इमेज को क्या मानेगा? ऑब्जेक्ट. और फिर क्या बनाएगा? इमेज, जो कि ए बाई थ्री पे है. समझ में आ रहा है यहां तक? फिर देख लो, सबसे पहले लेंस का केस है. लेंस में 1/v, 1/u तो पता ही है, माइनस ए, 1/f. सॉल्व करके 1/v आ गया, यानी कि v आ जाएगा यहाँ से. तो पहला स्टेप क्लियर है. लेंस के लिए u ऑब्जेक्ट है, a ऑब्जेक्ट है, और इमेज v है. अब मिरर क्या करेगा? मिरर ये करेगा कि अगर मान लो लेंस ने v पर इमेज बनाई, इमेज कहाँ पर बनाई? v पे बनाई. तो मिरर भी इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा? v पे बनाएगा. तो यही लिखा हुआ है मैंने इसमें, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर में प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज I2 इमेज बना देगा एट अ सेम डिस्टेंस v. तो कहने का मतलब कि अगर ये मिरर है, लेंस ने इमेज बनाई थी v पे, तो मिरर कहाँ बना देगा? v उस तरफ बना देगा. लाइट को जाना तो उधर ही है ना. तो I2 इसकी मिरर की इमेज है. I1 जो इमेज है किसने बनाई थी? लेंस ने. तो लेंस ने v पे बनाई थी, तो मिरर ने भी v पे बना दी. राइट, अब फिर किसकी बारी है? लेंस की. अब लेंस के लिए ये क्या है?
ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, अब लेंस क्या बनाएगा इसकी इमेज। तो थर्ड स्टेप लेंस के लिए, लेंस के लिए फाइनल इमेज A/3 पे गिवन है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट U नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां पर V है क्योंकि मिरर ने V पे इमेज बनाई थी और लेंस के लिए वो इमेज ही ऑब्जेक्ट है, तो V U की जगह V F। तो यहां से 1/V की वैल्यू ऊपर से जो निकाली है पूरी की पूरी यहां पर पुट कर दें आंसर। तो स्टेप समझ में आ रहा है, ये तीन स्टेप में कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट, क्लियर है यहां तक?